नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। 2023 हर राशि एवं लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, उस सीरीज का आज यह 12th और लास्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों का भी मीन राशि या मीन लग्न है, पाइसेस असेंडेंट या पाइसेस मून साइन, इन लोगों का 2023 वर्ष कैसा रहेगा और खास करके शनि, गुरु, राहु एवं केतु, इन चारों स्लो मूविंग प्लैनेट्स के अनुसार वर्षफल कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। गुरु चांडाल योग कब बनेगा, उससे बचने के लिए हमें क्या रेमेडीज करने चाहिए, गुरु कौन कौन से नक्षत्रों को पार करेंगे एवं कुछ और भी सिंपल रेमेडीज, गुरु कब कंबस्ट होंगे, गुरु कब वक्री होंगे, इन सभी चीजों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। इसलिए आप लोगों का यदि मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता दूं, मेरे प्रिडिक्शंस को आप अपने राशि एवं लग्न दोनों से देखिए, दोनों को ही मैं फैक्टर इन करता हूं जब मैं वीडियोस बनाता हूं और दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। आप एक को भी छोड़ते हैं तो कंप्लीट पिक्चर आप नहीं देखते। तो आइए हम लोग बिना विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले 17th जनवरी को, 17 जनवरी को शनि आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद 22 अप्रैल 2023 को जुपिटर, जो आपके लग्न आपके राशि के लॉर्ड है, वो आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। साल के शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और 30 अक्टूबर के बाद राहु अगले 18 महीनों के लिए आपके लग्न में आ जाएंगे। उसी तरीके से साल के शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक केतु आपके 8th हाउस में रहेंगे और 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो क्या होगा इन सभी प्लैनेट्स का सम्मिलित असर, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपके लग्न लॉर्ड हैं, आपके राशि लॉर्ड हैं और 22 अप्रैल 2023 तक आपके लग्न आपके राशि में ही रहेंगे। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। गुरु यहां हंस योग भी बना रहे हैं और जिन लोगों की भी राशि है मीन, उन लोगों के लिए तो ट्रांजिट में एक गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। चंद्रमा के साथ या लग्न में जब गुरु बैठ जाए तो इसकी बहुत प्रशंसा की गई है इस कॉम्बिनेशन की, चाहे आप जिस भी शास्त्र को उठाकर देख लें। जुपिटर यहां से आपके 5th को देखेंगे, 7th को देखेंगे और 9th को देखेंगे। 1, 5, 7, 9 ये सारे इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। गुरु जब लग्न या राशि में रहे तो आदमी के मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, भाग्य सभी चीजों में वृद्धि करते हैं। लग्न में राशि में जब जुपिटर रहेंगे तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा करेंगे, पुरानी जो भी समस्याएं रही हो आपके स्वास्थ्य की, उनका निदान अभी मिलेगा, सही एडवाइस मिलेगा। 9th हाउस सही एडवाइस का भी होता है, जिसको गुरु लग्न से बैठकर देख रहे हैं, तो अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे मेडिकेशन, अच्छा एडवाइस, ये सभी चीजें मिलेंगी आपको इस समय में। 5th हाउस पर दृष्टि रहेगी गुरु की। 5th हाउस आपके बच्चों का होता है, 5th हाउस आपकी बुद्धि एवं विवेक का होता है, 5th हाउस आपके एजुकेशन का होता है, 5th हाउस स्पेकुलेशन से आपकी आमदनी का होता है, 5th हाउस रोमांटिक प्रेम संबंधों का भी होता है। इन सभी क्षेत्रों में गुरु आपको तरक्की देंगे।
आपके बच्चे यदि बड़े हैं तो बच्चों के तरफ से अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलेगा। कुछ लोग जो फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं, बच्चों के आकांक्षी हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों के भी प्रेम संबंध पहले से चले आ रहे हैं, उन प्रेम संबंधों के विवाह में परिवर्तित होने के लिए अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पांचवें पर तो है ही, सातवें पर भी है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, चाहे तो आप स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, या किसी भी तरीके का शैक्षणिक पुस्तक वगैरह लिखते हो, बहुत अच्छा समय है। आपके आइडियाज इस समय में बहुत अच्छे आइडियाज आएंगे और उन आइडियाज पर काम करते हुए आपको तरक्की भी मिलेगी और रिकॉग्निशन भी मिलेगा। मैंने पहले ही कहा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। नए आइडियाज पर काम करने के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा वर्ष है। सेवेंथ हाउस पर जुपिटर की दृष्टि रहेगी, विवाह के लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय है। आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी इस समय में बहुत अच्छा करेंगे। आप यदि किसी व्यवसाय में हैं, तो गुरु की सेवेंथ दृष्टि आपके व्यवसाय को एक फिलिप, एक काफी उठाव देगा, और खास करके यदि पार्टनरशिप बिजनेस में है तो और भी अच्छा करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को इस समय में नए बिजनेस आइडियाज भी आए, जिस पर आगे काम करते हुए उनको काफी सफलता मिलेगी। सेवेंथ हाउस प्रसिद्धि स्टेटस का भी होता है, समाज में इस समय में स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जब लग्न में बैठकर, आपकी राशि में बैठकर आपके नाइन्थ हाउस को देखेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगा। जो लोग भी विदेश वगैरह जाने के आकांक्षी थे और किसी भी तरीके की समस्या आ रही थी, उनका सॉल्यूशंस होगा। पिता आपके अच्छे करेंगे, गुरुओं का, लेक्चरर्स का, प्रोफेसर्स का, इन सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में ऑस्पिशियस इवेंट्स, मांगलिक कार्य होंगे, तो लग्न में बैठे हुए गुरु इन सभी चीजों को प्रशस्त करेंगे। 22 अप्रैल के बाद जुपिटर आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का जुपिटर अपने मित्र के हाउस में बैठेंगे, आपकी वाणी को बहुत अच्छा कर देंगे। आपके स्पीच से लोग आपके ओर आकर्षित होंगे। पैसा कमाने के लिए और धन संग्रह करने के लिए, दोनों के लिए ही ये समय बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि यहां से सिक्स्थ पर होगी, एट्थ पर और टेंथ पर। सिक्स्थ और टेंथ दोनों पर दृष्टि होने की वजह से काम अच्छा चलेगा और इसलिए आमदनी अच्छी होगी। सेकंड हाउस में बैठकर गुरु जब एट्थ हाउस को देखेंगे तो हो सकता है सडन लाभ भी इस समय में आपको मिले। विरासत संबंधित कुछ पेचीदगियां यदि पहले से रही हैं तो उनका सॉल्यूशन होगा। आपके स्पाउस के फाइनेंसेस के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे जिसका काफी लाभ मिलेगा आपको। लेकिन 22 अप्रैल के बाद एक और चीज होगा। सेकंड हाउस में गुरु चांडाल योग 30 अक्टूबर तक बनेगा, जब तक कि राहु यहीं पर रहेंगे। सेकंड हाउस का गुरु चांडाल योग कुछ परेशानियां आपको दे सकता है, खास करके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह यदि करते हैं तो कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो इस समय में हो सकता है आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए। सेकंड हाउस में जब गुरु चांडाल बनेगा तो एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने सर्कल में, अपने संबंधियों के बीच में, या वैसे भी इन जनरल अपने भाषा का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसके वजह से संबंध में दरारें आएंगी, संबंध बिखरेगा। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड हाउस कहीं ना कहीं एक मारक हाउस है। मारक हाउस में गुरु चांडाल योग का बनने का मतलब है, और वहां से गुरु चांडाल, गुरु और राहु दोनों की दृष्टि एट्थ पर होगी। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु चांडाल से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने जुपिटर को आप अपलिफ्ट कीजिए, ताकि जुपिटर पर राहु का जो एक इफेक्ट है वो कम हो सके।
और जुपिटर को अपलिफ्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीन ग्रॉम सह गुरुवे नमः, इसका आप रेगुलर यदि जाप कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु की उपासना यदि करते रहिएगा तो उससे भी जुपिटर अपलिफ्ट होता है। जुपिटर के लिए और भी बहुत सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम सुनते रहिए। किसी भी गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं तो अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए, उनकी वाणी को सुनते रहिए। गुरु की वाणी को सुनते रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे तो आप पर गुरु चांडाल का प्रतिकूल असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। राहु को शांत रखने के लिए देवी की पूजा कीजिए। राहु देवी का भक्त है और देवी से डरता भी है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि नहीं कर सकते, काफी लंबा होता है, तो आप दुर्गा सप्तशती का फर्स्ट चैप्टर, जिसको दुर्गा सप्तश्लोकी, सप्तश्लोकी दुर्गा कहते हैं, सिर्फ सात ही श्लोक हैं उसमें, नाम ही है सप्तश्लोकी, कुछ मिनट लगेगा, उसका यदि पाठ कीजिएगा तो ठीक रहिएगा। राहु के लिए आप भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं, उससे भी राहु ठीक रहता है। अपने मोहल्ले, अपने बिल्डिंग, अपने ऑफिस, इन जगहों पर जो सफाई कर्मी है, ऐसे लोगों को यदि समय समय पर कुछ डोनेट करते रहिएगा, विशेषकर सैटरडेज को और अमावस्याज को, तो वो भी राहु के लिए एक अच्छा रेमेडी है। राहु के वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काला तिल, जौ, बहुत लोग पानी में नारियल बहाते हैं, इन सभी चीजों को करते रहिएगा तो राहु आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स शनि की। शनि आप लोगों के 11th और 12th लॉर्ड हैं और साल के शुरुआत में ही 17th जनवरी को शनि आपके 12th हाउस में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। अब यदि आपका मीन लग्न है तो भी और मीन राशि है तो भी 12th के सैटर्न बहुत अच्छे नहीं माने जाते, खास करके यदि आपकी राशि है मीन, तब तो आप लोगों के लिए 17th जनवरी से 7.5 की शुरुआत हो जाएगी और ये 7.5 वर्षों तक चलेगा और अगले 2.5 वर्षों तक शनि आपके चंद्रमा से 12th में रहेंगे। 7.5 की शुरुआत किन लोगों पर हुई है, ढैया की शुरुआत किन लोगों पर हुई है, उससे संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बनाया है आज से कुछ दिन पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने कुछ बहुत सिंपल रेमेडीज भी बताए हैं 7.5 और ढैया के लिए, उस वीडियो को आप लोग एक बार अवश्य देख लीजिएगा। 12th हाउस में जब शनि आएंगे तो ये कुछ परेशानियां, कुछ अवरोध क्रिएट कर सकते हैं। 12th हाउस को शनि जब एक्टिवेट करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में परेशानी दे सकते हैं। यहां से शनि आपके 6th को भी देख रहे हैं, याद रखिएगा। हालांकि जुपिटर की भी दृष्टि 6th पर रहेगी, जब जुपिटर आपके 2nd में आ जाएंगे तो डबल ट्रांजिट के सिद्धांत को यदि माने तो 6th हाउस से संबंधित ज्यादा परेशानी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जब 12th हाउस में शनि आएंगे तो खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे भी इस तरीके के होंगे जिस पर आपका कोई कंट्रोल ना हो, अनप्लान्ड खर्चे बढ़ेंगे। 12th हाउस में जब शनि आएंगे तो नींद की समस्या हो सकती है, क्योंकि 12th के शनि एंजाइटी, टेंशन्स को बढ़ाते हैं, इनडिसिसिवनेस को बढ़ाते हैं। 12th हाउस में जब तक शनि है तब तक आप लोगों के लिए सलाह है किसी भी तरीके के व्यसन वगैरह में ना पड़े और आध्यात्मिक बने रहे। वैसे 12th हाउस में शनि आ रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अध्यात्म के प्रति रुचि वैसे भी आप लोगों का बढ़ने वाला है और शनि उसमें मदद करेंगे।
कम प्रयास में आप अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। खर्चा का मैंने कहा ही, खर्चा बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा, और रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है मेडिटेशन और प्राणायाम। इन सभी चीजों को करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। ट्वेल्थ हाउस का शनि उन लोगों को ज्यादा परेशान करेंगे जिनके कर्म सही नहीं है। यदि आपके कर्म सही हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव इसमें यह है कि शनि अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे, इसीलिए 12वें भाव से संबंधित कुछ अच्छी चीजें भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन यात्रा वगैरह आप यदि करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। और ट्वेल्थ हाउस में शनि अपने मूल त्रिकोण में है तो एक बात और मानकर चलिए, जो लोग भी अपने घर से दूर रह रहे हैं वो लोग अच्छा करेंगे। अपने जन्म स्थान से जो लोग भी दूर हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं या भारत में ही अपने जन्म स्थान से काफी दूर हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, उन लोगों के अच्छा करने की संभावना ज्यादा है बनिस्पत उनके जो अपने होम प्लेस में। अपने मूल त्रिकोण में बैठकर शनि जब आपके सिक्स्थ को देखेंगे और जुपिटर की भी यहां दृष्टि होगी तो एक बात और होगा, लोन्स वगैरह को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर भी है तो एक फाइनेंशियल स्लोनेस थोड़ा सा आएगा, मेहनत की अधिकता बढ़ जाएगी, ज्यादा मेहनत करेंगे तब जाकर लाभ होगा, क्योंकि शनि की तीन दृष्टियां हैं, सेकंड पर, सिक्स्थ पर और नाइन्थ पर होगी। तो भाग्य भाव पर भी दृष्टि होगा शनि का, सेकंड पर भी और सिक्स्थ पर भी, तो थोड़ा सा एक स्लोनेस आ जाएगा। मेहनत यदि कीजिएगा, बिना कंप्लेन किए हुए काम करते रहिएगा तो ये शनि आपको पनिश नहीं करेंगे। डिसिप्लिन, फोकस, अनुशासन, अपने नीचे काम करने वाले लोगों पर ध्यान, और थोड़ा बहुत गरीब तबके के लोगों को, विकलांगों को यदि कुछ डोनेट करते रहिएगा, ट्वेल्थ हाउस चैरिटी का भी होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी मठ वगैरह से जुड़ जाइएगा और अध्यात्म को बढ़ाइएगा तो भी ये शनि आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स राहु की। राहु साल के शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक आपके सेकंड हाउस में बने हुए हैं। सेकंड हाउस का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं, आपका राशि होगा तो भी और लग्न होगा तो भी। सेकंड हाउस का राहु सबसे पहले तो आपकी वाणी को खराब करता है, आपको अग्रेसिव बनाता है, जिसके वजह से लोगों के साथ आपके संबंध खराब होते हैं, परिवार में क्लेश पैदा करता है। सेकंड हाउस फैमिली का भी है तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 22 अप्रैल के बाद, जैसा मैंने पहले कहा, सेकंड हाउस में गुरु चांडाल योग बन रहा है, फाइनेंशियल रिस्क कोई भी मत लीजिएगा। राहु अग्रेसिव होता है, सेकंड हाउस में बैठकर फाइनेंशियल मैटर्स में आपको अग्रेसिव बनाने की कोशिश करेगा, और आप यदि रिस्क ले लीजिएगा बिना सोचे समझे तो बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं फंस गया। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब सेकंड हाउस में गुरु चांडाल बनेगा। कुछ लोगों को हो सकता है फूड पॉइजनिंग वगैरह के परेशानी से भी जूझना पड़े। आंखों का, अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, जो रेमेडीज मैंने बताया है गुरु चांडाल का, जुपिटर का, राहु का, उनको आप करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। 30 अक्टूबर के बाद यही राहु आपके लग्न में आ जाएंगे, आपकी राशि के ऊपर आ जाएंगे, एक मिश्रित फल देंगे। चंद्रमा के ऊपर राहु बहुत अच्छा नहीं माने जाते, मानसिक परेशानी बढ़ाते हैं, और खास करके जो लोग भी डिप्रेशन वगैरह के शिकार रहे हैं, जो लोग भी मेंटली स्ट्रांग नहीं है, उन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके उनको जिनकी राशि मीन है। जिन लोगों का लगन मीन है, लगन में जब राहु आएंगे तो राहु अपना दायरा फैलाना चाहेंगे,
आप यदि राहु के एनर्जी को कंट्रोल कर पाइएगा तो इसका लाभ भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी इस राहु से संभलना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा अग्रेसिव जब करेगा तो इसके वजह से आपके सेल्फ इमेज वगैरह में कमी आ सकती है, क्योंकि राहु कुछ अप्रशस्त कार्यों को भी करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। तो क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अपने अग्रेशन को, अपने आवेग को चेक में रखना पड़ेगा। राहु के जो मैंने रेमेडीज बताए हैं उनको करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स केतु की। साल के शुरुआत से लेकर 30 अक्टूबर तक केतु आपके एट्थ हाउस में है। एट्थ हाउस का केतु किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना जाता। अध्यात्म के लिए शायद अच्छा हो सकता है, बट जनरल वेलबींग के लिए एट्थ का केतु बहुत अच्छा नहीं होता। और वैसे भी देखिएगा, जिन लोगों की भी राशि या लगन मीन है, उन लोगों के लिए केतु किसकी राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि में। और शुक्र इन लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थर्ड और एट्थ के लॉर्ड है। थर्ड भी एट्थ से एट्थ होता है, तो एक तो एट्थ में केतु बैठे हुए हैं, एक शुक्र की राशि में और दूसरा शुक्र का राशि थर्ड है, तो ये केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। जब तक स्वाति नक्षत्र में है केतु, तब तक हो सकता है धन लाभ के लिए ठीक ठाक होगा, लेकिन इन जनरल हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र जिसके नक्षत्र में केतु है वो भी सेकंड में है, वो भी एक मारक हाउस है। एट्थ हाउस के केतु वैसे भी आपको एक्सीडेंट्स करवा सकते हैं, कमर से नीचे के रोग दे सकते हैं, महिलाओं को गायनेक प्रॉब्लम्स, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट फिस्टुला बवासीर, इन चीजों की परेशानी दे सकते हैं। केतु जब चित्रा में आएंगे जून के बाद, वो समय कुछ हद तक ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी जब तक एट्थ में है केतु, इसको अच्छा नहीं माना जाना चाहिए। उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद केतु आपके सेवेंथ हाउस में आ जाएंगे। सेवेंथ हाउस के केतु भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते। शुरू में जो साल का अंतिम दो महीना होगा नवंबर दिसंबर, वो चित्रा में ही रहेंगे। मंगल जिनका नक्षत्र है चित्रा, वो मीन राशि के लिए अच्छे प्लैनेट है, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, तो एक हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी संबंधों में, पार्टनरशिप्स में, स्पाउस के साथ ये केतु टेंशन्स क्रिएट कर सकते हैं। बुध की राशि में रहेंगे। बुध आप लोगों के लिए फोर्थ और सेवेंथ के लॉर्ड हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध का पोजिशन अच्छा है तो फिर ये केतु बहुत ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपके लग्न के लॉर्ड, आपके राशि के लॉर्ड जुपिटर कंबस्ट कब हो रहे हैं। मार्च 28 से लेकर अप्रैल 27 तक, यानी कि लगभग एक महीने का समय जुपिटर अस्त रहेंगे। उसी समय से जुपिटर का कंबशन चालू हो जाएगा जब वो आपके लग्न में रहेंगे। 28 मार्च याद है ना, 22 अप्रैल तक गुरु आपके लग्न में ही है, तो उसी समय कंबस्ट हो जाएंगे जुपिटर। और फिर जब आपके सेकंड हाउस में जाएंगे उस समय भी ये कंबस्ट ही रहेंगे पहले एक सप्ताह। जब आपके लग्न के लॉर्ड, राशि के लॉर्ड कंबस्ट हो, उस समय में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, खास करके आपके लग्न में वो अस्त हो रहे हैं, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी शुभ काम वगैरह जब करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ शुरुआत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाइएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि काम का मूवमेंट डिजायर्ड गति से नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग रेट्रोग्रेड की बात कर लें। हर वर्ष की तरह जुपिटर इस साल भी रेट्रोग्रेड होंगे। इस साल लगभग 118 दिनों के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज हर वर्ष जुपिटर लगभग 122 दिनों के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं, इस वर्ष 118 दिनों के लिए हो रहे हैं। 4 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड होना शुरू करेंगे
और 31 दिसंबर को जाकर ये फिर मार्गी होंगे, जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे। तो उस समय में आपको अपने कार्यों से संबंधित एक इंट्रोस्पेक्शन करने का समय होगा। उस समय जुपिटर आपके सेकंड हाउस में होंगे, तो फाइनेंसेस से संबंधित, फाइनेंशियल डिसीजन से संबंधित, अपना बैंक अकाउंट, अपना इंश्योरेंस, अपना सेविंग्स, शेयर मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी चीजों पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस लाने हैं उनको जब कीजिएगा, पुराने चीजों को जो काम नहीं कर रहे हैं उनको छोड़कर, फिर आगे बढ़ने का समय होगा। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड भी होंगे तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चीजें नॉर्मल गति से नहीं चलेंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे चीजें बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रही हैं। तो इन चीजों का सिर्फ ध्यान रखिएगा। ये था फ्रेंड्स एक कंप्लीट पिक्चर पूरे वर्ष का, मीन राशि एवं मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि उनमें से भी यदि कोई मीन राशि या मीन लग्न के हैं तो उनको इसका लाभ मिल सके। आप सभी दर्शकों को मैं नव वर्ष की अग्रिम बधाई प्रेषित करता हूं। महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर पूरे 2023 में बनी रहे। आप लोग सफल हों, स्वस्थ रहें और बहुत ही खुशी खुशी अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।